अमरावती शहर के मनपा महानगर पालिका के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में सोमवार 22 मार्च को बजट पर चर्चा करने हेतु विशेष आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित स्थायी समिति सभापति सचिन रासने द्वारा 925 करोड़ 94 लाख रुपयों का बजट पेश किया गया। इस बजट में 612.52 करोड़ रुपयों के खर्च हेतु प्रावधान किए गए, साथ ही 313.42 करोड़ रुपयों का अंतिम शेष दर्शाया गया। इस बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर विशेष सभा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों के बीच काफी गर्मा गर्मी वाले माहौल के बीच चर्चा हुई। परंतु आयुक्त साहबांना पूर्ण माहिती आहे आणि या संदर्भात बैठकही झाल्या, परंतु याच्यातून केव्हाही तोडगा निघाला पाहिजे। तुम्ही पहिले प्रशांत उत्तर द्या, मग त्यामुळे हे वीस हा स्वाद सगळीकडे अवरोध झाला, त्यामुळे शासनाने यामध्ये 29 जानेवारी 2021 रोजी नवीन पॉलिसी घेतली। आता पॉलिसी आता आमची माहिती पॉलिसी झाली आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया गया। विगत एक साल से कोरोना महामारी काल में अमरावती मनपा की ओर से सामान्य नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन सुविधा के नाम पर जनता से अतिरिक्त पैसा वसूल किया गया। दूसरी ओर जनता ने उन्हें अपने प्रश्न पूछने मनपा भेजा। उन्होंने भी साल भर किसी भी सभा में मनपा प्रशासन से नागरिकों के स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही अपने प्रभाग में कोई ठोस कदम उठाए। इस बात से नाराज होकर आज डमरू बजाओ आंदोलन वंचित द्वारा किया गया। के मनपा के अंदर जो मनपा की मूलभूत सुविधा है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सैनिटाइजेशन है। ये तीन मूलभूत सुविधा मनपा को देना जरूरी था। एक साल के अंदर कोविड के अंदर मनपा ने कुछ नहीं किया, चार साल तो कुछ किया ही नहीं। वैसे ही पुणे की मनपा ने 11 हॉस्पिटल को हायर करके उनको फ्री वहां पे जो गरीब पेशेंट है उनको भेजा। 800 बेडेड हॉस्पिटल खड़े किए पुणे की मनपा ने, लेकिन अमरावती के मनपा ने एक आम सभा भी कोविड के टाइम पे इसलिए नहीं ली कि उनको आरोग्य सेवा को बढ़ाना है करके। नांदगांव पेटे MIDC स्थित जीनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी में रात के वक्त शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया, परंतु इस भीषण आग में करीब 70 से 75 लाख रुपयों के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इस आग में किसी भी तरह की कोई जीवित हानि नहीं होने की खबर है। BC में जमा अपने रुपए मांगते समय हुए विवाद के चलते शहर में हुआ करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया। दोनों पक्ष थाने में पहुंचे, शिकायत दी। पुलिस ने दोनों को समझ देकर NC मैटर अदालत में जाने को कहा। छोटा बाजार के BC किंग नीलकेश जायसवाल इस BC के सरगना है। व्यवसायी विजय थावानी वो पीड़ित व्यक्ति है जिन्हें BC में लगे अपने 10 लाख रुपए नीलेश से लेना है। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र कहा जा सकता। शहर के असंख्य डॉक्टर, व्यापारी और महिलाओं के रुपए भी BC में फंसे हैं। मारपीट तथा धमकियां देने का काम किया जा रहा है। इस पूरे व्यवहार की कहीं भी लिखा पढ़ी नहीं होने से असंख्य लोग तेरी भी चुप और मेरी भी चुप स्टाइल में अपनी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जिले के सांसद नवनीत राणा ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी कि लोकसभा में उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत द्वारा धमकाने का प्रयास किया गया। सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें सदन के भीतर रहते समय कहा कि इन दिनों आप शिवसेना के खिलाफ कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, तो इसके बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है। हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और महाराष्ट्र में कहीं घूमने नहीं देंगे। उपरोक्त आरोप लगाने के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि शिवसेना का इतिहास गुंडागर्दी वाला रहा है।